एक्यूप्रेशर भी बहुत जबरदस्त है, जिनको भी दबाओ सब लोग यहाँ से, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ये जिनको भी वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, लेप बताने से पहले ये एक्यूप्रेशर बता देता हूँ, एक दो तीन चार पांच, ये पांचों चैनल दबाना, पहले ही दिन से वेरिकोज वेंस में फायदा है, एक दो तीन चार पांच, ये दर्दों में भी, वेरिकोज वेंस में भी, शैटिका में भी, और फिर ये छोटी उंगली के पास वाला ये पॉइंट, ये जबरदस्त है, ये पॉइंट भी दबाना, और इससे माने पहले ही दिन से लाभ ऐसा। अब मैं बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे थे कि इसके लिए लेप क्या है, तो देखो ये गूगल है, ये सलाई गूगल है, बहुत कम लोग जानते हैं ये गूगल, तो सामग्री आधे में भी पड़ता है, दोनों में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, सुगंधित, ये भी गोंद है, ये भी गोंद है, इसका भी एक पौधा होता है, ये भी पौधा होता है, जैसे बबूल का गोंद होता है, अलग अलग पेड़ों के गोंद निकलते हैं, तो ये सलाई गूगल है, ये नॉर्मल गूगल है, ये अश्वगंधा है, ये मुल्तानी मिट्टी है, ये नीम है, ये हल्दी है और ये शिलाजीत है। अब इसका लेप जो है वो बना करके और जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है वेरिकोज वेंस की, वहाँ पर हम अभी लगाने के लिए बताएंगे और आप देखेंगे ये लेप लगा करके भी लोग अपनी इस प्रॉब्लम्स को से निजात पा सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि पुनर्नवा और गोखरू गिलोय इसका काढ़ा, पुनर्नवा गोखरू और गिलोय इसका काढ़ा भी बता रहे हैं, और साथ में ये जो लेप है ये लेप बता देते हैं। तो देखो ये लेप बनाने के लिए, अरे इसका ये तो देखो, यहां पर ये गोखरू है, गोखरू पुनर्नवा ये तो पानी भी इसमें लेना हो तो ये गोखरू गिलोय वाला ले सकते हैं। अब इसके अंदर ये हमने डाल दिया, देखो ये एलोवेरा डाल दिया, एलोवेरा, ये हल्दी। अब ये जिनको भी आज ये प्रॉब्लम है उनको ये लेप लगाने वाले, ये हल्दी और ये नीम के पत्ते, एलोवेरा, नीम, हल्दी और इसके साथ साथ ये शिलाजीत है, शिलाजीत के पत्थर को उसका चूरा कर लिया वो डाल दिया इसे, और इसमें ये सलाई गूगल और गूगल इसको भी पेस्ट कर लिया ऐसे, क्योंकि इसको कूटना पड़ता है, बड़ा हार्ड होता है, तो इस तरह से इसका ये पेस्ट बना दिया कूट करके। अब ये एकदम चिकना होता है अपने आप में भी, तो ये गूगल और ये सलाई गूगल दोनों के दोनों का ये पेस्ट बना दिया, और बना करके अब इसको पकाएंगे, पकाने के बाद में फिर इसके अंदर जो है ये मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी भी साथ में डाल दी। अब ये इसको पकाते पकाते ये एलोवेरा का जूस भी इसमें और डाल दिया ऊपर से, तो अब पानी की ज़रूरत ही नहीं, अब ये पक कर के लेप इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा, जहाँ लगाएंगे किसी किसी की नसें तो एक एक इंच मोटी फूली हुई होती है, वो अच्छी हो जाएगी। ये तैयार हो गया लेप। स्वामी जी मैंने एक चीज गौर करी थी, सॉरी तुम कुछ कह रहे थे। स्वामी जी इसे कितनी देर पकाना है? ये पकाना ऐसा है कि ये जो गूगल और सलाई गूगल जो अभी मैं बता रहा था ना, ये गूगल और सलाई गूगल ये पूरी तरह से इसके अंदर गल जाएंगे और ये सारा जो है मिलकर के एक रस हो जाएगा, तो एक बार ये पूरा गर्म होगा एक तरह से एक उबाल सा आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो इसमें खाली मुल्तानी मिट्टी के साथ ही बैलेंस नहीं किया है, इसमें सारी चीजें माने ये हल्दी गर्म होती है तो ये नीम जो है ये ठंडा होता है, ये जो है इसके अंदर गूगल थोड़ा गर्म होता है तो फिर ये एलोवेरा थोड़ा ठंडा होता है, तो एक एक चीज मिला करके पूरा प्रिपरेशन ये हो गया। जो मैं बता रहा था कायाकल्प वटी और पुनर्नवादी मंडूर, गिलोय गोखरू और पुनर्नवा, ये गोखरू होता है, ये गोखरू गिलोय और पुनर्नवा
इसका काढ़ा बना करके अब ये काढ़ा भी जो है इन सबको पिलाएं। ये सब काढ़ा जो है 1 किलो पानी में पकाएं और जब 250 ग्राम बच जाए तब छान करके पी ले। इससे पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है, पूरा का पूरा। ये सारा शुद्धिकरण का सारा खेल है। तो शरीर का जितना शुद्धिकरण होगा जी, जितने टॉक्सिन्स ऑक्सीजन ये सब बाहर निकलेंगे, उसके लिए हम पंचकर्मा षटकर्मा आसन प्राणायाम ध्यान जो है एनेमा से लेकर के बस्ती से लेकर के सारी जो प्रक्रियाएं हैं, मलमूत्र से शुद्धिकरण, पसीने से शुद्धिकरण, श्वासों से शुद्धिकरण, और सबसे बड़ी बात है विचारों का शुद्धिकरण। जैसे क्या पल्लवी बता रही थी ना कि जो है एक एक सहारा मिलता है। अब देखो ये इसमें खदका लग गया, आम भाषा में बोलते हैं, अब ये खदकने लग गया है, इतनी देर में ये तैयार हो जाता है। लेकिन इसको ऐसे लगाना भी पड़ता है, नहीं तो गूगल और नीचे ये जम जाएंगे। तो ऐसे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हम रोज कर रहे हैं, और मेरे को दिन से लेकर के हर रोग को मिटाने के लिए इंडिया टीवी पर हमारे साथ रोज योग करते रहिए। जिंदगी में कोई रोग, कोई दर्द, कोई बीमारी और कोई बुराई शेष नहीं रहेगी। इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन सुरभि जी, मीनाक्षी।